सी प्रोग्रामिंग में आज हम देखेंगे कि आउटपुट के बारे में। तो आउटपुट प्रिंट टेक्स्ट का कैसे रहेगा? टू आउटपुट वैल्यूज और प्रिंट टेक्स्ट इन सी। सी में जब आपको प्रिंट करना है टेक्स्ट, तो आप यूज कर सकते हैं प्रिंट एफ फंक्शन। फंक्शन का मिसाल के तौर पे हैश इंक्लूड एसटीडीआर, ये जो हमने देखा था सिंटेक्स, तो जिसमें प्रिंट एफ है। तो प्रिंट एफ में यहाँ पर देखिए ब्रैकेट्स यूज हो रहे हैं, ब्रैकेट्स विद सेमी कॉलन, और यहाँ पर दो कोट्स के अंदर वो लिखा हुआ है टेक्स्ट। तो जो कि डबल कोट क्या होते हैं कि जब आप कोई वर्किंग कर रहे हैं टेक्स्ट के साथ, ये हमेशा रैप होना चाहिए। जैसे पैकिंग करते हैं ना कोई भी चीज़ की, कि मतलब कोई भी चीज़ को पैक कर रहे हैं, तो ये रैप हो रहा है इनसाइड डबल कोटेशन मार्क। कुछ भी अगर आपको वर्क करना है, जो डिस्प्ले करना है, प्रिंट फंक्शन जो बताना है, इफ़ यू फॉरगेट द डबल कोट्स एन एरर अकर्स, तो क्या एरर आपको आ जाएगा उसके अंदर? जैसे हमने कल देखा था एग्जाम्पल में, प्रिंट एफ ये दिस सेंटेंस विल वर्क, प्रिंट एफ दिस सेंटेंस विल प्रोसीड एन एरर। तो देखिए इसमें आएंगी एरर और ये करेगा वर्क क्योंकि इसमें डबल कोट। इसको हम ट्राई करते हैं, ट्राई विथ योर सेल्फ एडिटर में, जो इस पे मिल जाता है डायरेक्टली, तो इसको हम चेक कर रहे हैं अभी। तो जो डबल कोट वाला जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वो वर्क करेगा, लेकिन ये देखिए ये एरर आ रही है यहाँ पर। लेकिन इसी को अगर हम डबल कोट लगाते हैं, तो अब देखिए चेक करते हैं इसको क्या रन होगा। तो देखिए ये रन हो गया। तो डबल कोट और सिंगल कोट के थ्रू ऐसे कर सकते हैं। मेनी प्रिंट एफ फंक्शन ज्यादा अगर आप यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज एज मेनी, आपके हिसाब से कर सकते हैं आप उसको फंक्शन, एज यू वॉन्ट, जितने चाहिए, 100 होना है, 1000 होना है, 2000, आपकी जैसी भी नीड है आप कर सकते हैं। हाउ एवर नोट दैट इट डज नॉट इंसर्ट अ न्यू लाइन एट द एंड ऑफ द आउटपुट। बस आपको क्या करना है, नोट ये करना है कि इसमें कोई न्यू लाइन नहीं होना चाहिए एट द एंड ऑफ आउटपुट। आउटपुट के बाद कोई न्यू लाइन नहीं होना है इसके अंदर, मतलब इट डज नॉट इंसर्ट अ न्यू लाइन। अब मिसाल के तौर पे इसको प्रैक्टिकल करके बताते हैं, जब आपको समझेगा। देखिए सबके नीचे एक एक जो है तो प्रिंट एफ लिखा हुआ है, हेलो वर्ड। तो क्या है ये इंटर, जैसे हम करते हैं हमको क्या लगेगा हेलो वर्ड पहली लाइन में आएगा, दूसरी में और तीसरी में, तो नहीं, ये एक लाइन में वो कर देता है सारा। तो उसका मतलब क्या था कि वो लाइन को ऐड करके नहीं देता, कंटिन्यूएशन में ले लेता, जिसके लिए आपको बी आर स्लैश का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से रहेंगे। उससे पहले हम देखते हैं ये आउटपुट का था और न्यू लाइन, ये सब के अंदर देखिए टॉपिक्स है, सिंटेक्स स्टेटमेंट, ये सब पर हम टिक चेक करके देखेंगे कि कहीं हमारा कुछ मिस तो नहीं हो रहा। तो सिंटेक्स हमने कल देखा था, ये वाला कल। अब उसके बाद जो सी का स्टेटमेंट है वो हम चेक करते, ये ऐसे मिस हो जा रहा था, तो इसको ऐसे देखना है, सब टैब में है इसके अंदर। तो सी का स्टेटमेंट क्या, सी स्टेटमेंट अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये क्या है थ्योरी। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, अगर आपको आ गया कि व्हाट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, इट इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर, एग्जीक्यूट होगा एक कंप्यूटर के जरिए। इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दीज प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन इंस्ट्रक्शन को कहा जाता है स्टेटमेंट्स। फॉलोइंग स्टेटमेंट इंस्ट्रक्ट करता है कंपाइलर को प्रिंट करने टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड टू द स्क्रीन, इस तरह। तो ये क्या हो गया, इंस्ट्रक्टर की तरह काम में आ रहा है। इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू एंड द स्टेटमेंट विद द सेमी कॉलन, आपको सेमी कॉलन से एंड करना जरूरी है। इफ यू फॉरगेट द सेमी कॉलन एन एरर विल अकर एंड द प्रोग्राम विल नॉट रन। देखिए हमने इससे पहले जो देखा था मिस्टेक, तो इसको चेक करते हैं। तो देखिए इसमें ऐसी एरर आ जाएंगी, फंक्शन मेन एरर एक्सपेक्टेड। अब हम सेमी कोलन लगा के चेक करते हैं, यहाँ पर सेमी कोलन लगाया, अब रन करते हैं तो देखते क्या है, एरर हट गई। तो देखिए एरर हट चुकी है। उसी तरह से मेनी स्टेटमेंट्स, अगर आपको ज़्यादा स्टेटमेंट लिखना है तो मोस्ट सी प्रोग्राम कंटेन मेनी स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन इन द सेम ऑर्डर एज दे आर रिटन, जैसे लिखे जाएंगे तो एग्जीक्यूट होंगे वन बाय वन, मतलब तो पहले ये होगा फिर उसके बाद ये होगा। तो उसको पढ़ेगा कैसे, हो जैसे आप लिखेंगे, ऐसा नहीं रहेगा कि रैंडमली इसको उसने फर्स्ट कर दिया इसको सेकंड, तो ये चीज़ रहेगी। एग्जाम्पल एक्सप्लेन होगा, फ्रॉम द एग्जाम्पल बिलो अबाउ वी हैव थ्री स्टेटमेंट्स, हमारे पास क्या थ्री स्टेटमेंट है, तो
फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, कितना एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा होगा उसके बाद, और तीसरे में उसको समझ में आएगा कि इसको आप एंड कर देना रिटर्न यहाँ तक। यू विल लर्न मोर अबाउट स्टेटमेंट्स वाइल रीडिंग दिस ट्यूटोरियल। रिमेंबर करना है, एंड करना है सेमी कोलन से, अवॉइड करना है, तो टेंशन नहीं लेना, बहुत कुछ सीखने वाले बता रहे हैं अभी आगे, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सेमी कोलन भूलना नहीं है आपको। सी का आउटपुट का भी हमने देखा है कि प्रिंट टेक्स्ट का, अब हम देखते हैं न्यू लाइन्स का, सी के न्यू लाइन्स। अब जैसे बात की जा रही थी ना कि न्यू लाइन कैसे ऐड करना है, तो अगर आपको इंसर्ट करना है न्यू लाइन, तो देखिए जैसे बी आर का किस में इस्तेमाल होता है, वो वेब डिजाइनिंग में आता है, तो वो दिमाग में था हमारे वेब डिजाइनिंग में बी आर का, लेकिन आपको न्यू लाइन का स्लैश एन इस्तेमाल करना है यहाँ, तो स्लैश एन को इस्तेमाल करना होगा। मिसाल के तौर पे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच जो है, इसमें देखिए यहाँ पर स्लैश एन अगर आप लगा रहे हैं तो ये नेक्स्ट लाइन पे ले लेगा उसको। मतलब मिसाल के तौर पर अभी हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि देखिए हेलो वर्ल्ड स्लैश एन, आप देखते हैं इसके साथ थोड़ा सा हम थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं, स्लैश लगाते हैं और यहाँ पर एन लगाते हैं, कि क्या हेलो के बाद अगर स्लैश एन लगाते हैं तो क्या वर्ल्ड को भी नीचे ले लेंगे, चेक करते हैं। देखिए हेलो, और अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हेलो के नीचे यहाँ पर स्पेस छूट गई, तो ये चीज़ समझ में आई कि अगर आप स्लैश एन के बाद अगर बिल्कुल स्पेस नहीं रखते तो वो स्पेस नहीं देगा, और अगर आप उसके बाद अगर स्पेस रख रहे हैं तो वो स्पेस को भी काउंट कर रहा है, तो ये चीज़ होगी आई एम लर्निंग सी। अब करते हैं आई एम के बाद स्लैश एन, स्लैश एन, अब ऐसे मिलाकर देखते हैं पिछले वाले के साथ कि क्या रन होता है, तो देखते हैं। तो देखिए आई एम इसको भी हो गया रन, उसमें उसने कोई एरर नहीं दिया, मतलब अगर आप मिक्स करके भी लिखते, लेकिन आप इसके साथ में अगर स्पेस रख रहे हैं, मतलब आपको स्पेस की जरूरत नहीं, अगर आपको सिंपली एक न्यू लाइन में बिना स्पेस के रखना है तो आप मिक्स कर दीजिए उसको टेक्स्ट के साथ आई एम लर्निंग, और उसके बाद में फिर ये स्पेस हटाकर हम रख देंगे स्लैश एन, तो सी नीचे आ जाए। तो ये हमने सीख लिया कि नई लाइन अगर आपको न्यू लाइन्स अगर ऐड करना है तो स्लैश एन फॉर न्यू इस्तेमाल करना है। यू कैन ऑल्सो आउटपुट मल्टीपल लाइन्स विद अ सिंगल प्रिंटफ फंक्शन, हाउएवर दिस कुड मेक द कोड हार्डर टू रीड। लेकिन वो क्या हो जाएगा, वो बोल रहा है कि आप वैसे तो बहुत सारे मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं एक प्रिंटफ के अंदर ही, जिसे हमने अभी रखा है, लेकिन इससे क्या हो जाएगा कि कोड को जैसे जो कंपाइलर जो रीड करता है ना, तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा पढ़ना उसके लिए हर मरतबा। जैसे इसने देखिए यहाँ पर मिसाल दिया है हेलो वर्ल्ड और स्लैश एन, मतलब आई एम लर्निंग स्लैश एन, तो इससे थोड़ा हार्ड हो सकता है। टू एन कैरेक्टर आफ्टर ईच अदर विल क्रिएट अ ब्लैंक लाइन। तो अगर आप, अब देखिए यहाँ पर एक चीज नई सीखने मिल रही है, मिसाल के तौर पे अगर हम इसको ट्राई करते आई एम लर्निंग और नीचे आ गया एंड इट इज ऑसम, लर्निंग सी बहुत ऑसम है। अब देखिए ये बता रहे हैं कि अगर आप एक साथ में दो स्लैश एन लगा देते हैं तो एक ब्लैंक लाइन रख देगा, कैसे रखेगा चेक करते हैं उसको। देखिए हेलो वर्ल्ड और एक लाइन स्किप करके वो आ गया आई एम लर्निंग सी। तो अब हम भी जो है तो प्रैक्टिकल करने वाले होते हैं, तो हम उसको तीन लाइन करके देख लेंगे तो क्या होता है, वन टू आ गए यहाँ पर। मतलब ये है कि एक स्लैश एन छोड़ने के बाद अगर आपको कितने डिस्टेंस चाहिए, कितने लाइंस का गैप, अब देखिए तीन हो गए, तो एक एन स्किप होने के बाद या दो ही है, तीन हो गए, गैप उसका बढ़ता जा रहा है, तो यानी कि आप उतना उसको गैप अगर रखना चाह रहे हैं तो स्लैश एन को रिपीट कर सकते हैं आप। व्हाट इज स्लैश एन एग्जैक्टली, द न्यू लाइन कैरेक्टर स्लैश एन इज कॉल्ड एन एस्केप सीक्वेंस। तो एस्केप, एस्केप सीक्वेंस उसे कहा जाएगा, एंड इट फोर्सेस द कर्सर टू चेंज इट्स पोजिशन टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन ऑन द स्क्रीन। और ये क्या कर रहा है कि फोर्स करता है कर्सर को कि उसकी चेंज कर दो पोजिशन बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट लाइन ऑन द स्क्रीन। दिस रिजल्ट इन अ न्यू लाइन। एन एग्जाम्पल ऑफ द अदर वैलिड एस्केप सीक्वेंस आर
अब उसी तरह से ये दूसरे भी, जैसे कि मिसाल के तौर पर जो स्लैश डी है वो क्रिएट करेगा एक हॉरिजॉन्टल टैब, डबल स्लैश ये करेगा इंसर्ट ब्लैक स्लैश कैरेक्टर, और इंसर्ट एक ही स्लैश करेगा डबल कोट कैरेक्टर। अब हम उसको ट्राई करके देखें, क्रिएट सा हॉरिजॉन्टल टैब, नहीं समझ में आया ट्राई कर लेते। तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या हो रहा है कि थोड़ा सा एक लाइन का स्पेस दे दिया उसने, जैसा टैब देते हैं ना टैब। देखते हेलो के बाद में अगर उसको स्लैश टी रखकर देखते हैं और रन करते, तो देखिए थोड़ा टैब के तौर पर उसने स्पेस दे। लेकिन अब हम इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल करने में और दो बार स्लैश टी करके देखते हैं कि इसमें क्या होगा, मतलब डबल टैब हो गए इस तरह। तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल टैब क्रिएट करेगा, हॉरिजॉन्टल मतलब साइड में, ऐसे वर्टिकल होता तो नीचे की तौर पर। अब इंसर्ट कर रहा है ब्लैक स्लैश कैरेक्टर, तो इसको चेक करते हैं डबल स्लैश, इससे क्या हुआ हेलो वर्ल्ड, और ऑब्लिक लिखने में या फिर स्लैश लिखने में आई एम लर्निंग सी ये हो रहा है। तो डबल स्लैश से क्या हो रहा है, बस एक स्लैश काउंट हो रहा है। तो हम देखेंगे इसको तीन स्लैश करके क्या होता है, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, ये आ गई एरर, इसमें वो चीज़ नहीं चलेगी। अब हम इसको एक ही स्लैश करके देखते हैं क्या, ये भी एरर आ रही है। अब दो स्लैश जब करते, मतलब अगर हम सिर्फ स्लैश रखते स्पेस दे के रख के देखते हैं स्लैश, ये भी एरर, मतलब आप सिर्फ स्लैश रख के अगर कुछ करना चाह रहे हैं हेलो वर्ल्ड, इसमें रन हुआ लेकिन उसने काउंट नहीं किया। एक और रख के देखते हैं थोड़ा, मतलब स्पेस देना है उसको, कोटेशन के साथ मिक्स नहीं कर रहे। तो देखिए थोड़ा सा ये गैप ले रहा है, तो उसका मतलब क्या था कि जो सिंगल स्लैश था ये डबल कोट कैरेक्टर इंसर्ट कर रहा है ये बता रहा है। ट्राई करके देखते हैं इसी का कोड, हाँ स्लैश विद कोट के हिसाब से इस्तेमाल होगा सिर्फ, जैसे कि जॉनी में जो डबल कोट इस्तेमाल हुआ, तो उसके लिए पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमने डबल स्लैश देखा था उस पर आते हैं सबसे पहले, फर्स्ट वाला टी वाला तो समझ में आ गया, लेकिन जो डबल टैब डबल स्लैश वाला है इसको चेक करते हैं। डबल स्लैश से एक आ रहा है, मतलब हम चाह रहे हैं कि एक देना तो एक डिस्प्ले नहीं हो रहा, वो स्पेस ले ले रहा है, ये चीज़ हमारे समझ में आ रही है। तो हमको अगर एक स्लैश लेना है तो हमको दो लिखना होगा, ये समझ में आ गई बात। अब उसी तरह से अगर हम डबल कोड लिख रहे हैं, डबल कोड में लिखना चाह रहे हैं हम अजहरुद्दीन शेख, अजहरुद्दीन लिखते हैं और रन करते, तो ये आ गई एरर। क्यों आ गई, क्योंकि ये डबल कोट आपने यहाँ पर भी दिया इधर भी दिया, तो क्लोज कर रहे हैं बंद कर रहे हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने क्या किया कि ये कोट को यहाँ देखिए बंद कर दिया, ये वाले को एक्सेप्ट कर लिया उसने कि हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट होगा बस, तो दूसरा स्किप हो रहा है। अब किया जाए तो क्या, तो आपको लगाना है एक स्लैश, एक स्लैश लगा दिया, अब रन करते फिर से अगेन क्यों हुआ ये बताइए क्यों, क्योंकि यहां तक तो उसको समझ में आया था कि इसको कोर्ट में लेना है, लेकिन कोर्ट बंद होने के लिए भी आपको स्लैश लगाना होगा, यहाँ पर वो कंफ्यूज हो गया कि क्या प्रिंट करना है क्या नहीं। तो अब इसको फिर स्लैश लगा देते हैं, आप चेक करते हैं, तो अब देखिए आप डबल कोर्ट में अजहरुद्दीन ये नाम आ गए। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट जिसका नाम था न्यू लाइंस, और उसी तरह से एस्केप सीक्वेंसेस, डिस्क्रिप्शन उसका क्रिएट हॉरिजॉन्टल टैब जो देखा हमने स्लैश टी, इंसर्ट ब्लैक स्लैश कैरेक्टर। तो ये चीज़ों से आप प्रोग्रामर बन सकते हैं, और इसी के लिए ये जो चीज़ें हैं ये थ्योरी के कंटेंट में आप डाल सकते हैं ये चीज़ें। उसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा कमेंट्स का रहेगा, कमेंट्स कैसे हम ऐड करेंगे, तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक भी है, मतलब कल के हिसाब से आज के लिए इतना काफ़ी है, तो उसको कल हम देखेंगे, क्योंकि कमेंट जो है ये
है तो कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत काम का है, क्योंकि आधे से ज्यादा उसमें कमेंट्स लिखना पड़ता है प्रोग्रामिंग में, कि आपको इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे, जो कि एग्जीक्यूट नहीं होगा प्रोग्राम में, लेकिन वो जो प्रोग्रामर रहेगा उसको वहां समझ में आ जाए, तो इसलिए इस्तेमाल होगा। तो इसको हम देखेंगे कल के वीडियो में। थैंक यू। YouTube पर अजहरुद्दीन शेख लिखकर सर्च करने पर प्लेलिस्ट से आप कंप्यूटर कोर्सेस और अदर स्पोकन इंग्लिश उसी तरह से प्रोग्रामिंग की भी देख सकते हैं। HTML पे भी चालू हुई थी लेकिन अभी वो पूरी क्रिएट नहीं हुई है, उसको भी इंशाल्लाह बाद में आगे हम प्रोसीड करेंगे।